आप सबके चहेते कंटेस्टेंट शिव ठाकरे ने फाइनली अपने यूट्यूब चैनल पे अपना पहला ब्लॉग किया है शेयर, जिसे देखने के बाद इनके फैंस काफी एक्साइटेड है। इनफैक्ट इनको इतना एंजॉय करते हुए, इतना इनको खुश देखते हुए बेहद खुश हो रहे हैं इनके फैंस। आखिर उस ब्लॉग में शिव ठाकरे ने क्या शेयर किया है और कहाँ पे जाते हुए उन्होंने वीडियो किया है शूट, आइए आपको दिखाते हैं इसकी पूरी डिटेल्स। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूज, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूं कि बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट, इनफैक्ट सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट रहे शिव ठाकरे ने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो किया है शेयर। जी हाँ, और वहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा है कि माय फर्स्ट ब्लॉग, और जहाँ पे उन्होंने ये शेयर किया है कि वो थाईलैंड में एज अ ट्रिप की यहाँ से गए हैं और थाईलैंड में अपनी छुट्टियाँ मनाते हुए, थाईलैंड का जो प्लेस है फुकेट, वहाँ पे वो गए हैं अपनी छुट्टियाँ मनाते हुए, और छुट्टियाँ मनाते मनाते उन्होंने एक ब्लॉग शेयर किया है। और उन्होंने ब्लॉग में काफ़ी ऐसी बातें की है जो हो उनके फैंस को डेफिनेटली हंसने के लिए मजबूर कर देगा, और नो डाउट कॉमेंट सेक्शन में भी ये दिखा रहे कि शिव ठाकरे चाहे कितने भी आगे बढ़ जाए, शिव ठाकरे चाहे कितने भी फेमस हो जाए, कॉमन मैन थे और कॉमन मैन ही रहेंगे। शिव ठाकरे ने ब्लॉग के दौरान ऐसे ही बहुत सारी बातें शेयर की हैं, ऐसी बहुत सारी बातें दिखाई हैं जिसे देखने के बाद तो लग ही रहा है कि कॉन्टेंट प्लान नहीं था। उनके मुंह से जो निकला है वो उनके दिल से निकली हुई बातें हैं, और कहीं ना कहीं वो आम इंसानों की तरह, साधारण इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। और इस तरीके से जब उनको एक लाविश, आप कह सकते हो लाइफ स्टाइल मिल रही है, तो भी वो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक नॉर्मल, एक साधारण लाइफ जैसे जीते हैं, उस चीज़ का जिक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा रहेगा, नहीं देखा तो डेफिनेटली शिव ठाकरे के चैनल पर जाके देखिए, बट अगर आपने देखा रहेगा तो आपको पता रहेगा इस बारे में कि शिव ठाकरे ने ब्लॉग के दौरान ये भी दिखाया है कि उनका एंट्री कैसे होता है, उनका रूम नंबर कौन सा है, और जब रूम में वो एंट्री करते थे उन्होंने दिखाया कि इतना बड़ा बाथरूम, इतने बड़े बाथरूम में तो हमारा लिविंग रूम आ जाएगा। अभी ये सुनने के बाद तो डेफिनेटली लोगों को हंसने को आया ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये समझ में आता है कि कोई शायद इस चीज़ को ओपनली नहीं कहेगा, स्पेशली अपने चैनल पर। तो लोग आजकल ये बताना ज़रूरी में नहीं समझते कि हमें ये चीज़ बताना है कि नहीं बताना है। जब एक टाइम आने के बाद जब किसी को पब्लिसिटी मिलती है, एक फेम मिलता है, तो लोग ये बातें शेयर करना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन शिव ठाकरे ने इस बात का भी शेयर किया है। और एक फ़नी लाइन के साथ उन्होंने आगे ये दिखाया कि एक वॉशरूम में है, और वॉशरूम के दौरान वो मुंडी झाँक के ये बताते कि यहाँ पर टिश्यू पेपर ही क्यों है, यहाँ पर पानी क्यों नहीं है, हम इंडियंस हैं भाई, हमें तो पानी ही चाहिए वॉशरूम में। ये देखने के बाद डेफिनेटली उनके सारे फैंस और सारे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब लोगों के चेहरे पे घासी सा आ गया होगा, लेकिन ये चीज़ से समझ में आता है कि इंडियन की परिभाषा विदेश में भी ये बखूबी दिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने दिखाया कि स्विमिंग पूल पे किस तरीके से उन्होंने एंट्री लिया है, साथ में सनस्क्रीन लगाए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम इंडियंस हैं भाई, हम अगर थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज होता है तो हम गोरे से काले, नीले पीले हरे हो जाते हैं, लेकिन ये फॉरेनर्स लोगों को कुछ भी नहीं होता, वो कैसे भी पानी में उतरे वही गोरे चिट्टे के गोरे चिट्टे रहते हैं। जहाँ पे उन्होंने शाम के दौरान एक आप कह सकते बीच पे भी गए, और बीच के दौरान उनको काफ़ी यूट्यूब के क्रिएटर्स मिले। इनफैक्ट बहुत लोगों ने उनको, जो जिन्होंने उनको जानते, नो डाउट शिव ठाकरे की फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ चुकी है कि लोग उन्हें पहचानते, डेफिनेटली है हर जगह उनके फैंस हैं, और वहीं पर कहीं ना कहीं उनके फैंस भी उन्हें दिखे। और जहाँ पे उनके फैंस ने उनसे बात करने के लिए, उनके फैंस ने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई हैं, और उस दौरान शिव ठाकरे के चेहरे पर जो खुशी था, ये देखने के बाद शिव ठाकरे को जितना प्राउड फीलिंग खुद पर हो रहा था, उससे कहीं गुना ज़्यादा प्राउड फीलिंग उनके फैंस को उन पर हो रहा है। क्योंकि शिव ठाकरे ने डेफिनेटली, उनके इस इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था, आज शिव ठाकरे जो भी हैं खुद के बलबूते पे हैं, खुद के दम पर हैं, खुद के मेहनत के वजह से हैं, और ये चीज़ साफ तौर पे नज़र आ रही है। इसके साथ साथ शिव ठाकरे ने ये भी कहा कि बीच पे सभी लड़कियां बिकिनी पे थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा, मैं सिर्फ उनके आई कांटेक्ट कर रहा था और उनसे हाथ मिला, मैंने कुछ भी नहीं देखा। अब ये जिस अंदाज से उन्होंने बोला वो काफ़ी फनी था, और देखने में कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि शिव ठाकरे संस्कारी तो हैं ही नहीं, तो ये ऐसी लाइन कभी नहीं करते। साथ ही शिव ठाकरे ने ये भी कहा कि मैं ये सब वीडियो कभी बनाया नहीं हूँ, पहली बार बना रहा हूँ, तो इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरे मन में आ रहा है और जो मैं कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। आई होप आप सबको पसंद आ रहा हो, और पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शिव ठाकरे ने ये कहते हुए अपने ये ब्लॉग को एंड किया है। साथ ही शिव ठाकरे ने ये भी कहा है कि नया शुरुआत किया हूँ तो मुझे आप सबका साथ जरूर चाहिए। अगर आप लोगों ने शिव ठाकरे का ये पहला ब्लॉग नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाके देखिए, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए फिफा फूज़।